कैमूर भारत प्रांत के बिहार राज्य का एक जिला है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ है। पर्वत और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा रामगढ़ गांव, रुदौली, जैनपुर, भगवानपुर, भभुआ, विद्यानाथ और मुंडेश्वरी स्टोन मंदिर आदि भी यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। चट्टानों पर हुई चित्रकारी कैमूर की एक बड़ी खोज है। इन चित्रों का संबंध मिसोलिथिक काल से है। माना जाता है कि यह चित्रकारी 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय की है। इनमें से कई चित्र जानवरों के बने हुए हैं। कैमूर जिला में मां मुंडेश्वरी का अद्भुत मंदिर है, जिसके चलते यहां काफ़ी पर्यटक आते जाते रहते हैं। मां मुंडेश्वरी का मंदिर विश्व का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहां से 500 मीटर दूरी पर एक गाँव है, रामगढ़। रामगढ़ नाम का जो गाँव है वो काफ़ी ऐतिहासिक है। यहाँ का इतिहास और झरने काफ़ी मनमोहक लगते हैं। इसका जिला मुख्यालय जो है भभुआ है। कर्मनाशा और दुर्गावती यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कैमूर जिला बिहार के बक्सर जिला एवं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के दक्षिण, झारखंड के गढ़वा जिला के उत्तर और उत्तर प्रदेश के चंदौली एवं मिर्जापुर जिले के पूर्व और बिहार के रोहतास जिले के पश्चिम से घिरा हुआ है। पूर्वी में यह रोहतास जिला का अंग था। अब कैमूर का इतिहास काफ़ी प्राचीन और रुचिकर है। यह जिला 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा था। 7वीं शताब्दी में कैमूर कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के अधीन आ गया। सी मार्क जो कि इतिहासकार थे, उनके अनुसार इस क्षेत्र पर शासन करने वाले प्रथम शासक पाल वंश के थे। उसके बाद चंदौली का यहाँ शासक रहा और 12वीं शताब्दी में ताराचंदी ने कैमूर जिले पर राज किया, अतः यह क्षेत्र कई शासक वंशों के अधीन रहा। यहाँ के अगर आकर्षक की बात करें तो यहाँ का जो मुख्य आकर्षक प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ में देखा जा सकता है, जहाँ आपको सब कुछ हरा ही दिखेगा। भभुआ को हरित नगर, हरा शहर के रूप में पहचान मिल चुकी है। जैनपुर, यहाँ का जो जैनपुर है, भभुआ मुख्यालय के पश्चिम से 11 किलोमीटर की दूरी पर जैनपुर स्थित है। यहाँ बख्तियार खान का स्मारक है। कहा जाता है बख्तियार खान का विवाह शेर शाह की पुत्री से हुआ था। जैनपुर स्थित किले का निर्माण सूरी अथवा अकबर काल के दौरान हुआ था। इसी स्मारक के पश्चिम में मुस्लिम दरगाह असम कोटी है, जिसके अतिरिक्त यहाँ हरसु ब्रह्मा नाम का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी है। कहा जाता है राजा शालिवाहन के पुजारी हरसु पांडे ने अपनी घर की रक्षा में इसी जगह अपने प्राण गंवाए थे। तेलहार प्रपात, तेलहार कुंड भभुआ जिला से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि अघोरा गांव से रास्ते में है। मुख्य रूप से यह एक झरना है जहां पहाड़ों से होकर आने वाली पानी गिरता है। भगवानपुर, कैमूर पर्वत के समीप स्थित भगवानपुर भभुआ के दक्षिण से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है यह स्थान चंद्रसेन सारंग सिंह की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। राजा शालिवाहन ने इस क्षेत्र को शेर सिंह से जीत लिया था, लेकिन बाद में अकबर के शासनकाल के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र पर पुनः विजय प्राप्त कर ली थी। इसी से सटे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर टकरा गाँव है, जो अद्भुत छवि झलकता है। उसी तरह रामगढ़, अघोरा, बैजनाथ, मुंडेश्वरी मंदिर, दरौली, भभुआ, जगदह हवा डैम, इस यहाँ की क्या है, काफ़ी आकर्षक है। अगर कैमूर का आवागमन की अगर हम बात करें तो यहाँ वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सभी चलते हैं। वायु मार्ग की बात करें, यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा एवं पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा स्थित है। रेल मार्ग की बात करें तो भारत के कई प्रमुख शहरों से कैमूर जिले में रेल मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेलवे भभुआ रोड मोहनिया है। स्टेशन मार्ग कैमूर राष्ट्रीय सड़क मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से होते हुए कैमूर पहुँचा जा सकता है। दोस्तों, कैमूर की सीरीज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।